जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर शांति व्यवस्था के दृष्टिगत दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि सभी पक्षों से वार्ता की गई है और सभी पक्षों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज पर कोई समस्या नहीं आएगी, शांति व्यवस्था बनी रहेगी, जिसको संपन्न कराने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमों ने अपनी तैयारियां की हैं। गुरुवार को पुलिस और मजिस्ट्रेट ने मिलकर दंगा नियंत्रण योजना व बलवा ड्रिल का अभ्यास किया। इसी तरह से सभी धर्मगुरुओं से बात की गई है। जिले के सभी पुलिसकर्मी व मजिस्ट्रेट के द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है। प्रयास है कि शुक्रवार को नमाज सकुशल संपन्न होगा और कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। यदि कहीं कोई अराजकता फैलाने का प्रयास करता है तो पुलिस सख्ती से निपटेगी और कार्रवाई करेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, सीओ खजनी अनिल कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, आईपीसी 141 में युद्ध विरोध जमाव को परिभाषित किया गया है और जब वो अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा पे उतारू हो जाते हैं तो वो बलवाइयों बलवा के दोषी हो जाते हैं। ऐसे बलवाइयों को तितर बितर करने के लिए हमारे कानून ने हमें कुछ प्रावधान दे रखा है, जिसका उल्लेख हमारे सीआरपीसी की धारा 129-31 और पुलिस रेगुलेशन 70 में किया गया है। सीआरपीसी की धारा 129 कहती है कि सिविल बल के प्रयोग द्वारा भी हम विधि जमाव को तितर बितर कर सकते हैं, जिसके लिए उत्पत्ति में उप निरीक्षक या उससे वरिष्ठ कोई भी पुलिस अधिकारी सबको एक पार्टी दीजिएगा आज शाम को। मेरी तरफ से पूरी टीम को 5100 रुपए नकद पुरस्कार और जो ड्रिल के इंचार्ज हैं उनको 1100 रुपए नकद पुरस्कार है। और ये ड्रिल का और कानून का पालन करते हुए विधि अनुसार ही इस प्रक्रिया को प्रयोग में लिया जाए। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं और अपने जो एंटी राइड उपकरण है उनको पूरा भली भांति सभी लोग तैयार रखें, जब जरूरत पड़े तत्काल पहनकर ही निकले। बिना एंटी राइड उपकरण के कभी भीड़ के सामने न जाएं, चाहे बातचीत भी करने जा रहे हैं एंटी राइड उपकरण धारण करने के बाद बातचीत करें, क्योंकि भीड़ में 500,000 लोग होते हैं, कौन आदमी पत्थर चला दे कब ये आप नहीं जान पाओगे और एक आदमी को भी चोट लग जाएगी तो पुलिस बल का नुकसान है। इस बात का ख्याल रखें। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा हमारे डीएम महोदय जो है वो भी आपसे दो शब्द कहें। धन्यवाद। जब ये तीन फ्री होगा तो लीवर आजाद होगा तो जाके नीचे ठोकर मारेगा सर, इसमें भी स्टंट कंपोजिशन भरा है तो उसमें आग पैदा होगी और वो आग इस जो धुएं वाले मटेरियल है उसमें आग पैदा कर देगी सर, जो जल करके धुआं देगा। स्टन है सर, ये धमाका देगा, ये इसका सिस्टम है सर। पिन सीधा कर लिया उसके बाद हमने कलमे वाली और उंगली और अंगूठे के बीच में इसको घुसाया, पिन को खींचा, थ्रोइंग पोजिशन बनाया सर और थ्रो के आगे 45-50 डिग्री ये सर। महोदय फायरिंग पार्टी की कार्रवाई की अनुमति चाहते हैं। मधुमा सिंह सर द्वारा लिखित अनुमति ले ली गया सर, सर हमारे सीनियर ने लिया सर, हमें उन्होंने आदेशित किया है कि आप फायरिंग कार्रवाई करिए। ठीक है, हाँ रबर बुलेट करें, स्टिंग ग्रेनेड करें, गैस वाले फायर ना करें। फायरिंग के दौरान सावधानी दें, सावधानी का ध्यान रखें, एक साथ जाएं, एक साथ फायर करें और एक साथ वापस आए। सर ने रबर बुलेट का फायर किया है जो 45 गज दूर जाके रिकोचित होकर आगे गया, चूंकि वहां पर बहुत ज्यादा घास थी इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई और वो टकरा के रिकोचित नहीं हुई घास की वजह से। अगर घास नहीं होती, कोई ठोस सतह होती तो उछड़ उछड़ के वो कई बलवाइयों को चोट करती। Thank you.
स्टैंडिंग पोजीशन से फायरिंग पोजीशन बनाई। सर ने पहले हवा का रूप देखा, हवा किधर से आ रही है, हवा का रूप सर के दाहिने से बाएं थी, उन्होंने पांच इनको हटवा दो, बलवाइयों को उधर से आगे थे। जैसा कि आगे जाकर के हवा में हम लोगों ने देखा वो दो भागों में बट गया, एक धमाका दिया और दूसरा धुआं दे रहा है। वो टू इन वन सेल था, एक धुआं देने वाला दूसरा धमाका देने वाला। अरे अब वो फायर ना करे भाई। जैसा कि भलवाई नहीं माने, उनके ऊपर आश्रु गैस सेल का फायर किया गया था या लॉन्ग रेंज सेल था सर द्वारा। अभी रबड़ बुलेट का फायर हुआ, रबड़ का जो 3 इंच लंबा गुटका था जो गया बलवाइयों को चोटिल किया, कुछ बलवाई भगे लेकिन फिर भी बलवाई वहां पड़े हुए। इसके बैरल के आगे मत जाइए, बैरल के पीछे रहिए। इस पर बताते रहो कैसे कैसे फायर करना है, एम कैसे लेना है। सर ने फायर करते समय स्टैंडिंग पोजीशन से फायर कर रहे हैं, एंगुलर फायर सर ने कर रहा है, सर कर रहे हैं। अब पैर थोड़ा सा खुला हुआ, अगले पैर में थोड़ा सा कम है। सर ने पहले हवा का रुख देखा और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक 2-in-1 सेल फायर किया है जो आगे जाने के बाद। जुम्मे की नमाज को लेकर और इसके अतिरिक्त आम दिनों में भी हमारे और मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा सतर्कता बरती जा रही है, कहीं से भी किसी प्रकार के ऐसे तत्व शरारती तत्व जो शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं उनको लेकर व्यापक निगरानी हो रही है। इसमें हम लोग सोशल मीडिया की भी निगरानी करा रहे हैं, जिसमें कोई अगर आपत्तिजनक सामग्री पेश करता है या उत्तेजक सामग्री पेश करता है जिससे माहौल खराब हो सकता है, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ निरंतर क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है, लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है, धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया जा रहा है और हमारा प्रयास है पब्लिक के बीच में रहकर उनसे संवाद स्थापित करके शहर के माहौल को जिस तरह से अभी चल रहा है उसी तरह से बनाए रखें और पूरी तरह से शांति स्थापित रहे। इसके अतिरिक्त हमारी पूरी तैयारी फोर्स को लेकर भी है। आज पुलिस लाइन में हम लोगों के द्वारा पुलिस और मजिस्ट्रेट के द्वारा ज्वाइंट रूप से गंगा नियंत्रण का उपकरणों का ड्रिल भी किया गया है, मॉक ड्रिल, और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। सर धारा 144 शहर में धारा 144 लगाया गया है, विभिन्न शहर में जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं लगभग इसमें अभी पीसीएस की परीक्षा बीती है पिछले हफ्ते, इसके अतिरिक्त आगे आगामी परीक्षाओं को लेकर आगामी जो त्यौहार आने वाले हैं उनको लेकर और किसी प्रकार की शांति भंग होने की संभावना के दृष्टिगत धारा 144 लगाई गई है। लोगों को इस बात के लिए निषेधित किया गया है किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन जुलूस इत्यादि बिना मेरे परमिशन के नहीं निकाल सकते हैं, और यदि उनको कोई धरना प्रदर्शन या जुलूस निकालना है तो पहले उनसे परमिशन मांगेंगे। और कहीं भी कोई व्यक्ति 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई ऐसा जमावड़ा जो भी विरुद्ध उद्देश्य से एकत्रित होता है वो प्रतिबंधित किया गया है, और लोगों को के लिए ये निर्देश है हमारी तरफ से कि उसका 100% अनुपालन करें। और यह अनुपालन दुर्घटना उल्लंघन की दशा में धारा 188 IPC के तहत उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। जी, सभी पक्षों से वार्ता की गई है और सभी पक्षों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कल कोई समस्या नहीं आएगी, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे।
इसमें पुलिस ने भी अपनी तैयारी अलग अलग रूप से की है, हमारी सभी टीमों ने तैयारी की है। आज सुबह पुलिस और मजिस्ट्रेसी के मिलकर दंगा नियंत्रण योजना का जो प्रशिक्षण है वो भी किया है, उसका अभ्यास किया है और बलवा ड्रिल की अभ्यास किया है। इसी प्रकार से जो धर्मगुरु हैं उनसे भी वार्ता की गई है, सभी पक्षों के जो लोग हैं उनसे वार्ता की गई है। अधिकारियों द्वारा लगातार बाज़ारों और गाँव और कस्बों में जहाँ संवेदनशीलता है वहाँ पर भ्रमण किया जा रहा है, लोगों से जगह जगह वार्ता की जा रही है और वार्ता के क्रम में हम आश्वस्त हैं कि कल किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और यदि कहीं कोई उत्पात करने का प्रयास करता है तो पुलिस पूरी तरह से तैयार है उसमें कार्रवाई करने के लिए। हालांकि इस प्रकार की उत्पात करने की हमको लग रहा है कि समस्या नहीं आएगी।